देखिए बेल आज अखबारों में छपा है, करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। मगर क्योंकि दूसरी बेंच ने ये कंडीशंस लगाई हैं इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज का ये जो फैसला है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के अंदर आज अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई आती है। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि देश की प्रीमियर एजेंसी बदले की भावना से, कपट छल से काम कर रही है। मुझे लगता है गृह मंत्री को एक दिन भी अपनी सीट पे रहने का हक खत्म हो गया है। देखिए वो बाकी अभी मैं अंदर घुसा नहीं हूँ, ये अभी मनीष जी के घर जा रहा हूँ। मनीष जी जो हैं इस वक्त सबसे बड़े नेता हैं हमारे जो बाहर हैं, उनसे डिस्कशन करेंगे, वो जो तय करेंगे। संजीवनी बूटी जैसा तो है। हाँ जी, पीएम मोदी के लिए क्या कहेंगे इस वक्त? आप लोग क्योंकि लगातार उनके हमला बोल रहे थे लोकसभा के बीच, अब बेल आ गई है, सारे लीडर्स आपके बाहर हैं। देखिए अब तक हमें सिर्फ ये कह के डराया जाता था कि जेल में डाल देंगे, अब हम जेल से होके आ गए हैं। कोई 5 महीने रह आया, कोई 17 महीने रह आया, कोई 6 महीने रह आया, अब क्या डर दिखाएंगे मोदी जी हमें? अब तो हम बेखौफ हो गए। जो उनके बस की था उन्होंने करके देख लिया, हमको जेल में डाल के देख लिया और हम मोदी जी से लड़ रहे हैं। अब मोदी जी की किताब में कोई तरकीब नहीं बची, अब मोदी जी क्या करेंगे वो बताएंगे। तो अब हम बेखौफ हो गए, ये कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज कि जेल से होकर हम आ गए अब। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।